जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्यों को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी उस समय में प्यारे से प्यारे, ज़्यादा स्नेह रखने वाले लोग आपके लिए रो देंगे, इसके सिवाय और कर क्या सकते हैं वे, कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान के नाम में लगते तो क्या यह दुर्दशा होती। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपके आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीज़ें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया, उतना आपने काम कर लिया, जितना भजन आपने कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं ना, वे भी इस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझ नहीं होगा। यहाँ संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं तो उनमें पूंजी का, घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा कि इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक के हिस्से में आता है। पर यह धन कभी घटता नहीं, कभी मिटता भी नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है, खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय नाम जप करते रहो। आइए पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी में आधे घंटे का राम नाम जप करते हैं। ram 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 ram
Yum, 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 yum
Lam 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 l
Yum 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 y
Ram 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 ram
Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्यों को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी उस समय में प्यारे से प्यारे, ज़्यादा स्नेह रखने वाले लोग आपके लिए रो देंगे, इसके सिवाय और कर क्या सकते हैं, वे कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते,